वजारत पावर डिवीजन ने अपनी ही ट्रांसफर पॉलिसी का फ्यूज उड़ा दिया। पाबंदी के बावजूद सैकड़ों इंतजामी अफसरान के तबादले, तकरूर और तबादले होने से मॉनसून में सिस्टम को मुस्तहकम रखने में मुश्किल। वजारत पावर डिवीजन ने 30 सितंबर तक तकरूर और तबादलों पर पाबंदी आयद की थी। बेहतर कारकर्दगी ना दिखाने वाले अफसरान का तबादला कर दिया जाएगा, तर्जुमान पावर डिवीजन। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान एसओपीज के खिलाफ वर्जियां, दुकानदारों, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को भारी जुर्माने। 1244 दुकानें सरबमोहर, 22,84,000 से ज़ायद जुर्माने आए। हुकूमती हिदायत नजरअंदाज करने पर 538 गाड़ियां बंद, 22,06,000 रुपये जुर्माना। 2,414 मुसाफिरों को भी 2,00,000 से ज़ायद का जुर्माना किया गया। लाहौर न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर खजाने पर भारी। हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस फीस 2,61,00,000 रुपए तक पहुंच गई। एमएस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का हेलीकॉप्टर के वाजिबुल अदा 2,61,00,000 रुपए के फंड जारी करने के लिए पंजाब हुकूमत को खत। हुकूमत ने 2019 और 20 की इंश्योरेंस कीमत में फंड अदा करने हैं। पंजाब के हकूक पर डाका डालने पर बुजदार सरकार की खामोशी। पीपल्स पार्टी की सूबाई और कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज की तैयारी। बिलावर भुट्टो ने पंजाब के मामलात और एनएफसी अवार्ड पर 2 बजे पार्टी इजलास बुला लिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहरिक करने और सूबे के मसाइल पर मुशावरत होगी। एपीसी पर पार्टी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। और कैंप जेल में कत्ल और डकैती के इल्जामात में कैद मुलजिम अशरफ हलाक। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर रात गए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम को 5 रोज कबल कैंप जेल लाया गया, तबीयत खराब थी। जेल से